बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त, जिंदर भाई को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना रहीमार अतीकुर रहमान। तो आज बात करेंगे गंदम की फसल के अंदर पोटाश को कब और कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गंदम के अंदर या किसी भी फसल के अंदर पोटाश की अहमियत क्या है। तो फसल के अंदर किसी भी फसल के अंदर पोटाश की अहमियत यह है कि आप जब भी किसी भी फसल के अंदर पोटाश की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, उसमें खुराक बनने का अमल कम हो जाता है, जैसे पैदावार कम आती है। तो लिहाजा सबसे पहले तो आपको ज़मीन का टेस्ट करवाना चाहिए, तब जाके पता चलता है कि ज़मीन के अंदर अगर पोटाश कम है तो आपकी फसल को पोटाश कम मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले ज़मीन का तजिया ज़रूरी है। तो उसके लिए ये है कि अगर 180 ppm से आपके रकबे के अंदर, ज़मीन के अंदर 180 ppm से कम पोटाश रकबे के अंदर मौजूद हो तो इसका मतलब है मज़ीद उसको पोटाश की ज़रूरत है, लिहाजा वो ऊपर से डालनी पड़ेगी। अगर 180 ppm से ऊपर हो तो फिर फसल को मज़ीद पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा सबसे पहले आपने ज़मीन का तजिया करवाना है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करनी है। तो अगर ये रिपोर्ट इस तरह आती है कि ये 180 ppm से कम आ रही है तो फिर आपको कितनी पोटाश फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले गंदम के अंदर अगर आप SOP पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो गोब की हालत में, जब फसल आपकी गोब की हालत में आ जाए, यानी कि फसल की उम्र 60 दिन से लेकर 80 दिन के दरमियान कहीं पे भी हो, तो उस वक़्त फसल जो आपकी गंदम की फसल है वो गोब की हालत में होती है, तो उस वक़्त आप 12.5 किलो के हिसाब से SOP जो पाउडर फॉर्म में होती है 10 किलो से 15 किलो यूरिया के साथ मिक्स करके फ्लड करा दें तो बेहतरीन किस्म के नतीजे आएंगे। अच्छा, इसका दूसरा हल भी है कि अगर आप 30% वाली लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको कि आप 30% वाली पोटाश अच्छी फार्मूलेशन वाली जो मार्केट से आपको अवेलेबल हो किसी भी कंपनी की ले लें। उसमें ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे ये कैंजो कह सकते हैं या जाफर ब्रदर कह सकते हैं, या उसके अलावा ये FMC का प्रोडक्ट है, कैटलस के नाम से है, इस तरह के बहुत सारे और भी ब्रांड हैं जो लिक्विड पोटाश में पोटाश बेचते हैं। तो लिहाजा उनकी 3 लीटर से लेकर 6 लीटर फी एकड़ के हिसाब से गंदम में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार किस्म के रिजल्ट मिलेंगे, जिससे क्या होगी आपकी फी एकड़ जो पैदावार है वो 10 से 15 मान फी एकड़ इजाफा हो जाएगा। तो यही जो पोटाश का फ़ायदा है कि पोटाश डालने से आपकी जो फसल की पैदावार है वो बेहतर होती है। तो लिहाजा आज का जो मैसेज था गंदम के हवाले से और पोटाश के हवाले से वो इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी मालूमात अतीकुर रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।